मैं अमरेश कुमार आज आपके बीच घरेलू रामबाण होम्योपैथिक दवाई के बारे में भाग एक में जिक्र किया था। आज हम दो के बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है अपना घर अपना आंगन बनाने का उद्देश्य यही था मेरा कि घर के अंदर बहुत सी समस्याएं आते रहते हैं, उस समस्याओं का निदान हम घर में रह के कर सकते हैं। आज जो मैं बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं उसे आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें जिससे कि वह भी लाभान्वित हो सके। दूसरी बात ये कि इस चैनल को लाइक जरूर कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। अब मैं शुरू करता हूं घरेलू रामबाण होम्योपैथिक दवाई में बायोकेमिक कंपाउंड टैबलेट के बारे में। कुछ टैबलेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो घर के अंदर आप रख सकते हैं। वैसे बायोकेमिक टैबलेट बायोकेमिक एक नंबर जो है ये जो यहाँ रक्त अल्पता जिसमें रक्त की कमी होती है उसके लिए बायोकेमिक एक मार्केट में आपको होम्योपैथिक दुकानों में आपको मिल जाएगा। वो SBL कंपनी या स्वाम्बे का जो है का आप खरीद सकते हैं। उनको आप कहेंगे कि बायोकेमिक एक नंबर टेबलेट देने के लिए वो दे देगा। तो जिसमें रक्त की कमी हो उनके लिए बायोकेमिक एक है जिसमें 4 से 5 गोली आप 3 टाइम नहीं तो 3 से 4 टाइम भी आप ले सकते हैं। सुसुम पानी के साथ आप लेंगे तो आपका रक्त की जो कमी है वो दूर हो सकता है। दूसरा है बायोकेमिक 2 नंबर जो अस्थमा यानी दमा जिसमें श्वास कष्ट दम घुटना आदि में उपयोग में आता है। बायोकेमिक 3रा है उदर सूज बच्चों के लिए। देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को काफी दस्त होता है तो आप घर के अंदर बायोकेमिक 3 नंबर आप रख सकते हैं। 4था है बायोकेमिक 4 नंबर जो कंस्टिपेशन के लिए है। आज कल भागदौड़ की जिंदगी में प्रत्येक आदमी जो है अपने जो दिनचर्या है उसको ढंग से नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वो कंस्टिपेशन यानी कब्जियत का शिकायत होता है। छोटे छोटे बच्चे में भी कब्जियत का शिकायत देखा गया है। उसके लिए छोटे बच्चे के लिए तो बायोकेमिक 4 नंबर तो आप देते ही हैं। एक टैबलेट है आपका जो है लेक्सिलो टैबलेट हसलेव का है। ये जो है टैबलेट जो है एक दिन हाफ गोली एक दिन बीच करके आप दे सकते हैं। बायोकेमिक 5 नंबर जो है सर्दी जुकाम के लिए है। बायोकेमिक 6 नंबर खांसी के लिए है। बायोकेमिक 7 नंबर डायबिटीज के लोग मधुमेह रोगियों के लिए है। बायोकेमिक 8 नंबर अतिसार यानी डायरिया जैसे अभी गर्मी का समय है तो डायरिया के लिए है। बायोकेमिक 9 नंबर जो है पेचिस जिसमें रक्त मिश्रित आव का आना जब आप मल में रक्त का आना जिसको हम देखेंगे कि आव आता है उसके लिए बायोकेमिक 9 नंबर। बायोकेमिक 10 जो है गल ग्रंथि इनराज करता है तो जिनको जो है टॉन्सिल बढ़ जाने के बाद सूखा खांसी वगैरह होता है बोलने बोलने में परेशानी होती है तो बायोकेमिक जो है 10 नंबर 4 से 5 गोली 3 से 4 टाइम सुबह शाम दोपहर रात आप सुसुम पानी के साथ आप दे सकते हैं। उसके बाद बायोकेमिक 11 नंबर फीवर के लिए है। बायोकेमिक 12 नंबर सिर दर्द हेड
हेडेक के लिए है, माइग्रेन वगैरह जो भी हो उनके लिए बायोकेमिक 12 नंबर। उसके बाद बायोकेमिक 13 नंबर प्रोडक्ट लिकोरिया के लिए, लिकोरिया के जो भी पेशेंट है उनको जो भी दवाई चलता है होम्योपैथिक का उसके साथ सब बायोकेमिक 13 नंबर आप यदि देते हैं तो सुधार काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। देख लो 12 नंबर, उसके बाद बायोकेमिक 14 नंबर जुकाम के साथ छींक आना, नाक से पानी बहना, उनके लिए बायोकेमिक 14 नंबर जो है। बायोकेमिक 15 नंबर जो है मासिक धर्म में विकार, जिसका जो है मेंस्ट्रुएशन जो ट्रबल्स होते हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप सुसुम पानी में नींबू डाल के जरूर पी लें, और साथ ही जो है मासिक धर्म में विकार गए तो आप चार बायोकेमिक 15 नंबर जो है 4 से 5 गोली सुसुम पानी में आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं बायोकेमिक 16 नंबर। 16 नंबर में आपको हम देखेंगे कि उनको जो है मानसिक अवसाद, अनिद्रा, पकासे की दुर्बलता, पाचन शक्ति में गड़बड़ी, बायोकेमिक 16 नंबर आप दे सकते हैं। बायोकेमिक 17 नंबर जो है बवासीर के लिए है, पाइल्स के लिए है, उनके लिए है जो खूनी बवासीर जिनको हो, है ना, तो उनको हम बायोकेमिक 17 नंबर आपको टेबलेट दे सकते हैं। बायोकेमिक 18 नंबर जो है आपको दंत क्षय यानी पायरिया, दांतों में जड़े खोखली होना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, ये बायोकेमिक 18 नंबर। बायोकेमिक 19 नंबर वात रोग, जिसमें कमर दर्द, गठिया वगैरह हो, तो बायोकेमिक 19 नंबर आप उनको दे सकते हैं। बायोकेमिक 20 नंबर जो है चर्म रोग, एक्जिमा, दाद आदि में प्रयोग में आता है, 22। बायोकेमिक 21 नंबर जो है दंतोद्भेद, टीथिंग ट्रबल्स, उसके लिए आपको बायोकेमिक जो है 21 नंबर दे सकते हैं। बायोकेमिक 22 नंबर जो है कंठ माला, वजन में वृद्धि न होना, उनके लिए बायोकेमिक 12 नंबर आप दे सकते हैं। बायोकेमिक 23 नंबर दंत सूत है, एक दांत मसूड़ों में रक्त निकलता है, दांत में दर्द होता है, मसूड़ों में दर्द होता है, तो उसको बायोकेमिक 23 नंबर के साथ, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि हकला लावा 30 जो है आप पेशेंट को दें, उसके साथ साथ जो है बायोकेमिक 23 नंबर जरूर दें, जिससे कि बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बायोकेमिक 24 नंबर जो है टॉनिक है नर्व्स और ब्रेन के लिए, जिसमें प्रसवों उपरांत महिलाओं में कमजोरी होती है, बच्चों के अंग को सुडोल बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, बायोकेमिक 24 नंबर जो टॉनिक और नर्व्स के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है बायोकेमिक टेबलेट है। बायोकेमिक 25 नंबर जो है अजीर्ण, अफारा एवं गैस वायु नाशक, भूख का लोभ, खट्टी मीठी डकार आना, उदयसूर आदि में बायोकेमिक 25 नंबर आप दे सकते हैं। यदि आपका जो है यदि ब्लड की कमी भी है प्लस जो है आपको भूख नहीं लग रहा है, उसके लिए आपको लेसिथिनम जो है 3x जो है आप दे सकते हैं। बच्चा यदि है तो 1 गोली, सियाना है तो 2 गोली, आप जो है सियाना के लिए आपको जो है 2 टाइम सुबह और शाम में आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि ब्लड की काफ़ी कमी है तो फेरम फॉस 3x जो है आप जो है 3 टाइम सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, ब्लड की जो कमी है वो दूर हो जाएगा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों का उम्र जो है 35 से 40 के एवरेज से अबव हो रहा है, उनको कैलकेरिया फॉस 6x जो है आपको कम से कम 2 पैक जरूर खा लें, इससे आपके हड्डी भी मजबूत होंगे। अब हम चलते हैं बायोकेमिक 25 नंबर जो है आपको जो है बता चुके हैं 25 नंबर। बायोकेमिक 26 नंबर जो है सरल प्रस्तुति इजी पर्ट्यूरिएशन के लिए है, 3 से 4 माह के बाद जो है इसमें बायोकेमिक जब 26 नंबर आप पेशेंट को देंगे तो प्रसव वेदना जो है कम होगा और सरलतापूर्वक होगा, बच्चे भी हिस्ट पुष्ट होंगे,
ये जो आपको देना है 3 से 4 महीने के बाद आप बायोकेमिक 26 नंबर देते हैं, यो सरल प्रसूति के लिए बहुत ही बेहतरीन बायोकेमिक टैबलेट है। बायोकेमिक 27 नंबर जो है जीवन शक्ति के लिए है, और 28 नंबर जो है बायोकेमिक 28 नंबर समान पुष्टिकर यानी एक प्रकार का एक टॉनिक है, जनरल टॉनिक है, ये भी आप ले सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है जो एनवी है उसमें मैंने आपको जो है चिन्ह लगा दिया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के दुकान में आप जाके SBL या स्वाम्बे का आप ले सकते हैं। इसमें इंडियन जर्मनी का भी, मेड इन जर्मनी का भी टेबलेट आता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, वो भी आप जो है खरीद के अपने घर में रख सकते हैं और घर में बच्चे को सियाने को आप दे सकते हैं। धन्यवाद। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे मैसेज करें हमारे ईमेल पे, और इसको लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।